Hotmart.com, विश्वास वही रफ्तार नई। राष्ट्रीय स्तर पे फाइलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम तो कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये बृहद स्तर पर है। और क्या कार्यक्रम की भूमिका है, किस तरीके से इस पर नियंत्रण किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जो कार्यक्रम ये है, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत वर्षों से चल रहा है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये बड़े स्तर पर है, तो किस तरीके से रूपरेखा इसकी बनाई गई है और कैसे जो फाइलेरिया है उसको हम कम कर पाएँ या उसको ख़त्म कर पाएँ, किस तरीके से इसको करेंगे? देखिए, विश्व में टोटल 72 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फाइलेरिया की समस्या है, भारत उनमें से एक है। भारत में 328 ज़िले हैं जो हमारे फाइलेरिया ग्रस्त इलाकों में हैं, और इसमें से 51 ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं। ये प्रोग्राम 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, जिसमें ये था कि हर साल एक बार उन ज़िलों में दवा दी जाए और सभी लोग उन दवाओं का सेवन कर लें तो 5 साल में इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकते थे। 2004 से शुरू हुआ, आज हम 2022 में हैं, यानी काफ़ी साल बीत गए। केवल 133 ज़िले हैं जहां पे हम लोग इस लेवल पे पहुंच पाए, जहां पे अब राउंड नहीं ज़रूरी है, लेकिन बाकी जगहों पे अभी भी समस्या बनी हुई है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक तरह से एक नया प्रोग्राम के थ्रू लॉन्च किया है, जिसमें दो दवाओं के साथ एक तीसरी दवा भी ऐड की गई है, उसे माइवरमेक्टिन कहते हैं। और अब एम ये है कि 2025 तक हम ट्रांसमिशन को रोक सकें, जिससे कि किसी बच्चे को आने वाले समय में फाइलेरिया की बीमारी ना हो। जो पहले प्रयास चल रहा था उस पर अब में तब्दीली क्या आई है, पहले अब तब्दीली क्या करेंगे जो ख़त्म करने का लक्ष्य है? देखिए, इसमें दो तब्दीलियां हैं। पहला जो है, जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें इंटेंसिफिकेशन किया गया है, जैसे माइक्रो प्लान्स और बेहतर किए गए हैं, सुपरविजन बढ़ाया गया है, कोशिश ये की गई है कि जितनी सोशल मोबिलाइजेशन और आईसी की एक्टिविटीज़ है उनको और बढ़ाया जाए। सेकेंड पीस जो किया गया है वो है प्रोग्राम का सर्वेलेंस और नई ड्रग का इंट्रोडक्शन। सर्वेलेंस में ये है कि जो हम लोग पहले माइक्रोफाइलेरिया स्लाइड बनाते थे उसको और क्लोजली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि टाइम पर स्लाइड बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग स्लाइड रात के पहले ले लेंगे तो स्लाइड नेगेटिव आएगी, जबकि वो बच्चा या कोई बच्चा इन्फेक्टेड होगा। तो 10 से 2 बजे तक रात में ये माइक्रोफाइलेरिया मिलता है ब्लड में, तो अब ये इंश्योर किया जा रहा है कि सभी स्लाइड टाइम पर बने। और एक नई दवा जो लाई गई है आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन के लाने से फ़ायदा ये होगा कि ये 3 दवाएं जब दी जाएंगी तो आपको 5 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप 2 साल में ही उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, बशर्ते सभी एलिजिबल लोग दवा खा लें। तो दवा खिलाने का जो इस बार एक नया प्रयास किया जा रहा है कि दवा दी नहीं जाएगी, दवा सामने खिलाई जाएगी, तो उसको किसको लगाया गया सर, कितने लोग हैं इसमें, किस तरीके से टीम बनाई गई है? तो देखिए, प्रोग्राम तो शुरू भी यही कहता था कि दवा खिलानी है, लेकिन वो शब्द था ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। जो आशा बहन, आंगनवाड़ी बहन या एएनएम जाती है फील्ड में, वो दवा दे दिया करती थी, वो नाम ही चेंज कर दिया गया, अब ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हो गया है, यानी आपको एडमिनिस्टर करानी है, यानी घर के सामने खड़े हैं, डॉट्स होना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी है। तो ये एक चेंज है, और इसमें जो पूरा स्वास्थ्य का जो महकमा होता है पीएससी लेवल पे, वहाँ पे सब सेंटर होते हैं, एएनएम होती है, एएनएम के बाद में वहाँ आशा बहन होती है, उनकी टीम बनाई जाती है, और उस माइक्रो प्लानिंग में 2 मेंबर रखे जाते हैं जिनका डेली का एरिया होता है कि 25 घर कवर करेंगे, और उस घर में जितने भी लोग एलिजिबल हैं उन सबको दवा दी जाएगी और सामने खाने को कहा जाएगा। कितना लक्ष्य रखा गया है और कितना टाइम है? लक्ष्य 10 दिन का प्रोग्राम है, 2 हफ्ते के बीच ख़त्म करना है। 12 मई से ये लॉन्च होगा, 19 जिलों में इस बार हो रहा है और 28 तक ख़त्म हो जाएगा राउंड। बाकी जिलों में भी होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो गैप पे होता है, फेजेस में होता है। तो ये वाला जो राउंड है 12 से 28 मई तक चलेगा। कितने करोड़, इसमें लगभग 5 करोड़ पॉपुलेशन है जो 19 जिलों में है जिनको कवर किया जाएगा। कितनी खतरनाक बीमारी है लोगों को ये भी बताना? ये बहुत खतरनाक बीमारी है, सबसे बड़ी बात है इसका इलाज नहीं है। देखिए, फाइलेरिया होने से क्या होता है कि एक तो लोग जानते हैं हाथी पांव जो दिखाई पड़ता है, दूसरा होता है हाइड्रोसिल जो गुप्तांग पुरुषों के होते हैं वहाँ पे होता है। आप हाइड्रोसिल ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसमिशन वहाँ बना रहेगा, तो इसलिए दवा खिलानी बहुत ज़रूरी, क्योंकि ट्रांसमिशन को रोकना है ताकि किसी नए मरीज को ना हो। जिसको एक बार फाइलेरिया हो गया, सिम्टम आ गए, हमारे पास कोई टैबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है हम ख़त्म कर सकें, और उस ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। अगर आप पेशेंट को देखें, देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है डिजीज़ हुई, डेथ हो गई, तो आपने समस्या को झेला और आप एक तरह से नहीं रहे, लेकिन अगर डिजीज़ है और लाइफ लॉन्ग रहेगी, आपको पोलियो याद होगा, पोलियो में क्या होता था, बचपन में इन्फेक्शन होता था, एक पैर ज़िंदगी भर के लिए आपका चला गया, एक पैर, दो पैर, जो भी हो, ये सेम सिचुएशन है। यहाँ पे लुंज नहीं होता है, यहाँ फूल जाता है,
और जब फूलता है वो इतना ज़्यादा वजन का होता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। आप बेसिक चीज़ सोचिए, इंडियन टॉयलेट पे अगर किसी को बैठना है, आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी, इम्पॉसिबल, आप बैठ ही नहीं सकते। और न सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, स्टिग्मा अटैच्ड है। किसी को एक हो जाता है वो अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देता है, लोग बाकी बाहरियों को इनवाइट करना बंद कर देते हैं। तो हमें स्टिग्मा बाहर लाना है, ये बहुत ज़रूरी है। कितना सहयोग की जरूरत है, सब अगर सहयोग करेंगे तो देखिए, सहयोग बहुत चाहिए। और ये सबसे आसान प्रोग्राम है, साल में सिर्फ एक बार दवाएं खानी, इस साल में सिर्फ एक बार, केवल 5 साल तक, और अगर ट्रिपल ड्रग है 2 साल तक। अगर सब लोग ये ठान लें कि दवा जब देने आशा आई, अगर मैं नहीं था या मैं नहीं थी, मैं खुद जाके आशा से मिल लूँ और जाके वहाँ पे ले लूँ, सिंपल। इससे आसान प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जितने भी हायर लेवल के पॉलिसी मेकर्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सबको आगे आना पड़ेगा, इन सबको लोगों को बताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सिंपली कंपेयर कर लीजिए पोलियो से, कोविड से। पोलियो में जैसे हम लोगों ने वैक्सीन दे के बचाया, जैसे कोविड में हम वैक्सीन दे के बचा रहे हैं, वैसे ही इन दवाओं को दे के हम बचा रहे हैं। ये सिंपल प्रोग्राम है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर उपेन जी, जिनका साफ कहना है कि फैलियर से अगर बचना है तो सिंपल से काम है कि साल में 2 बार आपको दवा खानी है और इससे पूरे जीवन आप बच सकते हैं, क्योंकि बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जो कोई इलाज इसका नहीं है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।